केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रमुख पहलुओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि I4C की जब स्थापना की गई थी तो ये एक शुरुआत और विचार के आधार पर की गई थी और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से लेकर 2024 तक की यात्रा विचार पहल में परिवर्तित हुई। आज यह साइबर सुरक्षा में बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास इस समय असंभव है। तकनीक मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित हुआ है। तकनीक का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है लेकिन इसके साथ तकनीक से कई सारे खतरे भी आज हो रहे हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा सिर्फ डिजिटल तक सीमित नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम पहलू बन गया है जिसके बिना हमारी राष्ट्र की सुरक्षा करना असंभव है। इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म इसमें बहुत बड़ा योगदान देंगे। भाइयों बहनों, जब I4C की स्थापना की गई तो जैसे आगे बताया गया एक विचार के आधार पर इसकी शुरुआत हुई और वो विचार देश की जरूरियातों को देखते हुए एक टोली ने विचार के बीच के रूप में इसको रोपने का काम किया था। और मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से 2024 9 साल की यात्रा विचार इनिशिएटिव में परिवर्तित हुआ, इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित हुआ और आज धीरे धीरे हमारी सेफ साइबर का ये बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट I4C का है, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं।